वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और आज का ब्लॉग कैसे होने वाला है, कैसे होने वाला है बंस बताएगा। तो हम लोग आज पूरे दिन ना घर पे लेटे रहेंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है, इसलिए मैं क्या करूँगा, घर पे लेटे रहूँगा। अगर कोई ट्रिप बजेगी तो लेंगे, छोड़ के आएंगे, फिर घर पे रहेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कहाँ जा रहा हूँ? अरे पोटर बज गया, पोटर बज गया, कुछ बज गया, बस पोटर में बज गया शायद, वो आवाज आ रही। छोड़े छोड़े, लेने दो लेने दो लेने दो भाई, ले ले क्या हो गया तो क्यों, क्या हो गया भाई? ये भी जो है ना, ये चार्ज नहीं है, इसको चार्ज पे लगा रखा है। तो अपन जो है ये लेके जाने वाले हैं। वैसे मैं सोच रहा था एक्सपल्स, बस उसके लिए टैंक बैग वगैरह चाहिए, तो यही बढ़िया होगा। 4:26 पे पूरा होगा, अभी 34% है, तो इसमें से बंडाना वगैरह ले लेते हैं। तो अपनी गाड़ी भाई ऐसे ही खड़ी रहती है, एक इधर एक इधर, ये चार्ज हो जाएगा, उसके बाद उसको ले जाएंगे। चलो भाई साहब फटाफट चलते हैं, पोर्टर का सामान जो है वो पिक करते हैं। ऐसे पोर्टर में दोस्तों सामने से ऑर्डर, जरूरत नहीं है मुझे मैप के, क्योंकि आसपास की सोसाइटी है मुझे सारा पता है इस वजह से। ओ गॉड, तो चलो फटाफट जो है पिकअप कर लेते हैं। और मैं सोच रहा था वैसे या तो एवेंजर, अब सारी बाइक ना मिक्स करके चलाऊंगा, क्योंकि मेरा एवेंजर और एक्सपल्स जो है ना, अरे वाह स्टंट मार रहे हो, वो दोनों गाड़ी मेरी खड़ी रहती है, ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है। और ये तो खैर मेरी वाइफ चलाती है, तो ये यूज़ होता रहता है, बट वो यूज़ नहीं हो पाती है दोनों। चलो जी सोसाइटी पे आ गए, फटाफट पिक करते हैं और डिलीवर करते हैं। एक्टिव एंट्री कराइए, आ गए अंदर, चलो पार्सल लेके आते हैं। इसका जो पिकअप था ना वो तो 700 मीटर पे था, जो ड्रॉप है वो सिर्फ 200 मीटर पे था, लेकिन भाई साहब 4 किलोमीटर तो मुझे सोसाइटी के अंदर घूमना पड़ गया। मैंने पार्सल यानी फूड को दोस्त पिकअप करने गया, तो मैम कह रही थी आप पता नहीं जोमेटो फूड से हो क्या? मैंने कहा नहीं मैम पोर्टर से हो। तो मैंने कहा क्या खाना है? कह रही अरे आपको नहीं पता खाना है कि क्या है। तो मैंने कहा भाई दिखता नहीं है मैम इसमें, और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो कह रही अच्छा सॉरी बेटा। तो पोर्टर को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो है ना पार्सल दिखाना शुरू करो कि आइटम क्या है, एटलीस्ट इतना तो दिखा दो कि आइटम फूड है, ग्रोसरी है, मेडिसिन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इससे कि हम लोगों को दिक्कत ना हो, है ना? नहीं तो आए दिन हम लोगों को दिक्कत होती है यार पार्सल को पिक करने में। कस्टमर भी कभी कभी हमसे गुस्सा हो जाता है, जैसे आज वाले में हो रही थी मैम। स्कूटी का भाई पेट्रोल उसमें कम है, तो अब एक ओला की राइड आ रखी है, तो ये लेके चलते हैं। कस्टमर का कॉल आ गया कि जल्दी आओ। चाबी कहाँ गई इसकी यार, चाबी वहीं रह गई। कस्टमर ने जो है ये कैंसिल कर दिया वो राइड, बड़ी जल्दी थी कस्टमर को। ये बच गई 50 रुपये की फूड की ओला में, सेक्टर 72 का है, ये भी 650-700 मीटर पे ही है। एक हफ्ते बाद भाई ओला में एक ऑर्डर पिक किया, और इसी ऑर्डर मैंने ऐसी तैसी कर दी कंपनी वाले ने। करीब 40-45 मिनट हो गए, अभी तक मिला नहीं है फूड। मैं ही नहीं, बहुत सारे भाई परेशान है, ये सबसे भैया का भी काफ़ी देर हो गया, इनको भी नहीं दिया अभी तक। आप 30 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 27 मिनट तो यहाँ दिखा रहा है जोमेटो में, 27 का मतलब हो गया 35-40 मिनट। 10 मिनट पहले से था मैं यहाँ पे। बहुत हालत खराब है भाई फूड में, हर कंपनी में हालत खराब है। मैं रेस्टोरेंट पे ही हूँ, आप कस्टमर बोल रहे हैं? जी 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 मैं कस्टमर बोल रहा हूँ। अभी रेडी नहीं हुआ है, मैं रेस्टोरेंट पे खड़ा हूँ सर 35-40 मिनट से। आप एक बार रेस्टोरेंट को बोल दो अगर है ना, बाकी तो रेडी हो रहा है, बोला है इन्होंने, अभी आधा टाइम लगेगा थोड़ा और। बात कराऊँ क्या? ठीक है। अरे अरे देव, इसका पेट्रोल नहीं है ना, इसलिए झटका दे रहा है। ये जो ऑर्डर है ना भाई, मेरे पड़ोस से बच गया है। हाँ भैया पहुँच गए आप लोकेशन? हाँ भैया आप ऊपर आओ या आप नीचे आएंगे? आ रहा नीचे आ रहा हूँ। हाँ जी भैया ओके, आपका थैंक यू भैया। OPT 2398 थैंक यू भैया, थैंक यू। आसपास का जैसे ऑर्डर बसता है कर दिया डिलीवर, फिर घर पे चले गया। फिर हमें तो ये कैमरा लगा हुआ है, हाँ ये वीडियो बनाते हम डिलीवरी विलीवरी की। A few moments later 4-5 ऑर्डर हुए भाई साहब, और घर पे अभी बंस बना रहे हमारा बनाना शेक। अरे उसको मत हटाओ, कोई बात नहीं तुम डालो इसमें।
कैसे है, गंदा हो गया है? चीनी डालो पहले, चीनी तो डालो, बर्फ बाद में डालते हैं, ठीक है? पहले चीनी डालो, दो चार, तनु कपड़ा मार देने, केला चीनी हो गया, हट मुँह। अब डालेंगे दूध, ठीक है? एक दो तीन, थोड़ा सा दूध बस। अरे तू तुझसे डाला तो जाता नहीं है भाई। ये डल गया बर्फ, अब इसको ढक्कन लगाओ, अब इसको दबा के रखना है और एक नंबर पर थोड़ी देर चलाना है। बनाना शेक बन चुका है, देखो छूके छूके देखो भाई, ठंडा है, हाँ? है? नहीं। तभी हो गए ज्यादा ज्यादा बस, चलो खत्म कर दो, है ना? आज ना भाई साहब हमने टैंक बैग भी देख रहे हो लटक रहा है, इसको धो दिया है। अब एक्सपल्स या फिर एवेंजर जब लेके जाऊंगा तो टैंक बैग का यूज़ करूंगा इस वजह से। तो चलिए पी लेते हैं और अपना आईडी जो है वो ऑन है, फिर राइड लेते हैं। इनसे ज़्यादा तो मेरा वाला टेस्टी है क्योंकि मैंने ऊपर से आइस डाला है, इसका तो टेस्टी नहीं है। है पक्का? हाँ, मेरा ज़्यादा है भाई, मेरा तो ज़्यादा है, देखो बर्फ निकल गया। A few moments later. भाई आराम कर रहा था, 96 रुपए की ट्रिप बच गई मेरे पास, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। शायद 132 का है किलोमीटर, वो लगभग 10 किलोमीटर है। चलो पिक करते हैं। अबे भैया मैं तो लद्दाख जाने की प्लान कर रहा था, ये तो यहीं पे लद्दाख बन गया। रुक जाओ भैया, नेक रुक जाओ साइड, हमारे गीले करवा दी तुमने यार। बच गया, मुझे लगा मेरा जूता पानी में गया, ईंट में रखा था, बच गया बच गया। क्लाइंट लोकेटेड कर दिया भाई साहब, यहीं पे दिखा रहा है लोग। ये लोटस कृष्णा विद्या भवन इधर है क्या? ये होटल है त्रिपोली नाम से, वहां पे आना है। यहाँ किधर है ये होटल? आपने लोकेशन तो यहाँ की डाली हुई है भैया। आप हो पता है लोकेशन आपका? देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, फोन काटना भैया, ये लो। ओपीटी दे दिया, दिखे, देखो भैया एग्जैक्ट 1 किलोमीटर दिखा रहा है, दिखा रहा है एग्जैक्ट 1 किलोमीटर है। ओटीपी भाई 5629, जबकि मैंने यहाँ अंदर खड़े होकर बुक किया है। 5629, बैठो भैया। ग्यारह किलोमीटर 23 मिनट दिखा रहा है। चलो भाई भैया को ड्रॉप करते हैं, काफी लंबा ट्रिप है ये। नोएडा में कहीं कहीं पे ऐसा अच्छा है, पेड़ों के नीचे नीचे चले जाओ छाए छाए में। दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, दिल्ली हो गया, गुड़गांव है, वहाँ पे तो रुकने तक का नहीं है रोड पे। नोएडा में भाई एक चीज और बढ़िया लगती है कि जगह जगह मौसम बड़ा है। हाँ ये तो सबसे बढ़िया है। हाँ दिल्ली में जगह नहीं मिलती, ये बात तो है। कोई मॉल या फिर मतलब मेट्रो या पेट्रोल पंप, यहाँ पे हर आपको 500 मीटर 1 किलोमीटर पे एक टॉयलेट मिलेगा ही मिलेगा। हाय हाय भाई, पेट्रोल पंप 97। मैं कर रहा हूँ, तुझे रुक जा। कैसे UPI दोगे? तो भाई चैन खुला रह गया। अरे है 5 ट्रिप हो गए शायद, क्या 5 हो गए, पता नहीं कितने हो गए। 136 अवंतिका भाई साहब बच तो गया है राइड, बट मैं सोच रहा था पेट्रोल डलवा लूँ, बट पेट्रोल तो ये टेढ़ा करने पे हाफ पे आ रहा है, मतलब 3 लीटर से ऊपर होगा, तो भाई इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैडम है कोई? अवंतिका मैम, अवंतिका ना OPT बता दिया। अराध्या? नहीं अवंतिका, नहीं। अच्छा तुमसे ना हो पाएगा, 5 मिनट से ज्यादा हो गया यार अराइव करे हुए। रिपोर्टर में बजा लो, 132 सेक्टर 19 का, चलो यही ले लो, इससे अच्छा तो भैया नहीं पता ना आइटम क्या है। टाइमर चल रहा है, ले लूं मैं प्यार,
यही ले लो, चलो भाड़ में जाए। ओला को कैंसिल मारो आप। 5 मिनट हो गया था ना? हो गया था। 4 रुपये मिल गया कैंसिलेशन का ओला में, पोर्टर में बच गया राइड। आज के दिन की शुरुआत भी पोर्टर में हुआ था, 4 रुपये मिला इसमें। दिल्ली पब्लिक स्कूल आइटम क्या है पता नहीं, छोटा मोटा कुछ हो तो ठीक है यार, वरना मेरे पे बांधने का नहीं है कुछ। ओला में भैया को यहीं पे छोड़ा है, अब यहीं पे पोर्टर का भजा है मेरे पास। फालतू का चक्कर लगा लिया 3-4 किलोमीटर, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा ना, मैडम फोन ही नहीं उठा रही थी वहाँ पे। भाई क्या तुक्का है यार, उस डॉक्यूमेंट है बढ़िया है। क्या तुक्का लगाया आपने भैया, आप ही हो हैं? और कोई दिख भी नहीं रहा। अच्छा चलो बढ़िया जी, डॉक्यूमेंट है ना तो अंदर डाल लूंगा। पैसे उधर से देंगे? पैसे मैं भी दूंगा आपको, आप बता देना पेटीएम। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं ना राइड ले रहा था ओला में, मैंने कहा खाली जाने से अच्छा पहले चेक करता हूँ, तब तक भज गया। अब किस्मत इतनी अच्छी है कि डॉक्यूमेंट है, वो तो खैर यहाँ फंसा लूंगा मैं। मैं वही दुआ कर रहा था, मैं अच्छा कुछ मिल जाए ऐसा कि बांधने का ना हो, नहीं तो मैं हमेशा टैंक बैग या पिट्ठू बैग लेके चलता हूँ। ठीक है भैया शुक्रिया, हाँ हाँ मैं आपको फ़ोन कर देता हूँ डिलीवर करके। तो बहुत बढ़िया रहा ये वाला ट्रिप, डॉक्यूमेंट है भैया का, तो कैसे रखते हैं डॉक्यूमेंट, ये देखो ऐसे रखते हैं, ये आ गया पेट के अंदर, दिख रहा है ना आप लोगों को, और इसको ढाक लो ऐसे सेफली, बस अब कहीं नहीं जाएगा। अब चाहे पेट्रोल डलवाओ चाहे जो काम है वो कर लो, और आराम से डिलीवर करते हैं। कितनी दूर है? बस बैटरी नहीं है भाई फ़ोन में, 11 किलोमीटर आ गए ऑलमोस्ट लोकेशन पे। वो सिग्नल पे भी पार हो गया भाई, बहुत दिनों बरसों बाद जो है मैं किसी पोर्टर में या फिर पर्सनल कोई ऐसा पार्सल लेके आया हूँ। बैंक तो नहीं है कहीं, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है एड्रेस। साउथ इंडियन बैंक में? साउथ इंडियन बैंक में अंदर आ गया। ओके भैया आ रहा हूँ। तो भाई देखो बैंक में बुलाया है तो अपन बैंक में क्या है सिक्योरिटी पर्पस से, बहुत से लोग घुस जाते हैं ऐसे, क्या है कि उनको पता नहीं होता है। जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं आजकल वो बैंक में भी भैया कैमरा ला के घुस जाते हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट ये काम गलत है ना, आपको डिलीवर करना है। अब मान लो हमें कैमरा लगा के नहीं जा सकता। डिलीवर कर दिया है, 159 का बिल बना है भाई, अब मैं राइड ले नहीं सकता क्योंकि 5% की बैटरी बजी है। गैस कलेक्ट हो गया, अब भगाते हैं सीधा घर। A few moments later, पोर्टर का जो लास्ट ऑर्डर मैंने डिलीवर किया है दोस्तों वो लगभग 4-5 किलोमीटर दूर था, फिर एवेंजर में 2 लीटर पेट्रोल डलवा के घर आ चुका हूँ। अभी 6:51 हो रहा है और बैटरी जो है मेरे चार्ज हो गया है 40%। भाई साहब डेड हो गया था आते आते, और आज बंस ने दोपहर में सो नहीं रहा है, बड़ा परेशान कर रहा है। दोपहर में बनवाया था क्या बोलते उसे, बनाना शेक, अब बोल रहा बाबा मैंगो शेक पियूँगा। तो कहाँ यार लल्लो जाती है, अंधेरे में दिखता है ओला अंधेरे में। तो ये देखो भाई साहब 4 रुपये लास्ट कैंसिल का किया था, जो 5 ट्रिप हो गई है 325 रुपये, कुछ इंसेंटिव भी है, एंड में दिखाऊंगा इंसेंटिव वगैरह। पोर्टर में मेरे 2 हो चुके हैं तो पोर्टर को वापस ऑन कर लेते हैं। आ गया शैतान पीछे से आवाज़ कर रहा है, पानी क्यों डाल रहा है। ये देखिए दोस्तों वेडनेसडे 22 मई का आज का जो अर्निंग है, 1 62 रुपये, दूसरा 127 रुपये मिला हुआ है। कौन है? हट, पानी है सैनिटाइजर है, हटो हटो हट ना भाई। आप लोग बोलते हो ना कि मैं घर पे आखिर व्लॉग क्यों नहीं बनाता था या क्यों नहीं बनाता हूँ, तो रीजन यही है, ये ऊपर जो बैठा हुआ है ना यही है। Two hours later. 270,000 किलोमीटर भाई चलने के बाद मैं आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन पे। 94% की बैटरी है अभी, और सुबह एक ही राइड शायद मैंने इससे ली है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उसमें कितनी चली थी गाड़ी अभी तक सुबह, और 1 या 2 ट्रिप लिए मैंने इससे भी जो चार्ज लगाने से पहले, तो ये 38 किलोमीटर इसमें चल चुका है अभी। 52 में तो राइड बजी नहीं भाई साहब, 34 आया तो ये बजी है, नारायण हरि यादव जी का जाएगी 140। ये कैमरा लगा हुआ है? हाँ ये ब्लॉग बनाता हूँ मैं, लंबे पे भगेगा बुलेट, पे पास में थोड़ी भगेगा। 33 अभी रिकॉर्डिंग चल रही है? चल रही है।
तो ये ब्लॉग कब आएगा? ये कल। से कटिंग करोगे? कटिंग करना है, थोड़ी थोड़ी चीजें डलती है। कैबिनेट की वीडियो आती है? डिपेंड करता है जी भाई, 72 रुपए की ट्रिप बच गई मेरे पास अनुराग जी की। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस दोस्तों। देखो पीछे मोड़ पे था, 1.5 किलोमीटर दिखा रहा था, जैसे ही वापस अपने इसी गली पे आया, भैया को यहीं पे छोड़ा है और उसी सोसाइटी से आ गई है। तो भाई ये फायदा है अगर आपको लोकेशन पता है। ऑनलाइन ऑनलाइन UPI सब चेक भी एक्सेप्टेड। आज तक किसी ने चेक नहीं दिया, लेकिन 62 रुपए। देखो जो भाई कहते हैं ना कि ईवी वालों को ज़्यादा ट्रिप देती है, देखो मेरी ईवी खड़ी है बट भाई का जो है पेट्रोल वाली गाड़ी है, तो भी इनको दे दिया और मेरे को नहीं दिया। आप कभी ओला चलाते हो भाई? आपको ओला का ऐप है? देखो इनको नहीं दिया, भाई को दे दिया। बहुत कमाती है गाड़ी। जो लोग कहते हैं ना कि भाई ईवी में बसता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। अगर आपने बैक टू बैक, इन्होंने शायद 1000 रुपये तक का काम कर चुके हैं। आपका नाम भाई? आर्यन भैया। आर्यन भाई हैं और मैं यहाँ खड़ा था लास्ट ट्रिप के बाद, तो ये भैया बोले अरे मिल गया आगे। और हमारे भैया एक और मिले, क्या नाम है ये आपका? मेरा सुरेंद्र। सुरेंद्र भाई है, हालांकि ये जॉब करते हैं, राइड वाइड करते नहीं, बट कभी कभार मन करता है तो निकल लेते हैं भाई, एक हाथ कर लिए और अपने रूट की जो है मार लेते हैं। तो मैं यहाँ बैठा था तो भाई दोनों जो है देख के आ गए कि अरे BS के भाई है अपने। बड़ा अच्छा लगा भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। इनके पास तो राइड ही बज गई, अब जाओ आप। 2 hours later 11:30 बज चुके हैं देखो भाई, और ओला में भाई राइड आने का नाम ही नहीं ले रहा। देख रहा हूँ अभी मैं यहाँ पे हूँ सेक्टर 18 के मेट्रो पे, बकायदा पूरा मार्केट है, पॉश एरिया है, फिर भी राइड नहीं। तो आज इंसेंटिव है ना, 8 राइड पे 80 रुपये मिल जाएगा मेरे को, 70 रुपये सॉरी। तो भाई 70 रुपये क्यों मिस करूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक राइड और ले लूँ। और पोर्टर में तो भाई अभी बजा था मेरे पास बसंत कुंज का एक, लेकिन वो कोई और उठा लिया तुरंत। चलते हैं अब धीरे धीरे यहाँ से हटते हैं, क्योंकि राइड तो बज नहीं रही यहाँ पे। लगभग पिछले 2 घंटे से भटक रहा हूँ और राइड नहीं है। तो भाई मैं जो भाई अपना जॉब कर रहे हैं ना, मैं उनको इतना ही बोलना चाहूँगा, ऐसे काम में आना चाह रहे फ्रीलांस में या फिर बाइक टैक्सी करना चाहते, जॉब से कलस गए हैं तो सोचते भाई ये काम कर लूँ, तो उनको इतना ही बोलूँगा कि भाई देखो इस काम में ना कभी तो आप कमा लोगे और कभी आप इतने परेशान हो जाओगे ना कि आपको भाई बोलोगे कि मेरा जॉब बढ़िया था, ये मैंने गलती कर दी जॉब छोड़ के। क्योंकि इसमें जब आप भटकते हो ना धूप में बरसात में और एक एक कोना पकड़ के वेट करते हो घंटा दो घंटा, तब आपको वैल्यू समझ में आती है अपने परमानेंट जॉब की, फिक्स सैलरी वाले जॉब की। 11:52 हो गए दोस्तों और मैंने भाई चौथा गियर लगा लिया है, अगर राइड बच जाती है तो ठीक है, नहीं तो घर पहुंच। शाम को 6 बजे से मैंने ID ऑन करी थी, रात को 9:30 तक कोई नहीं आया, तो मैं आया 52 से भाई, फिर 78, फिर 78 से पहुंचा मैं सेक्टर 28, और 28 से जो पहुंचा भाई तब से एक भी राइड नहीं आई है। अभी आपको कंक्लूजन दिखा देता हूँ कि देखो भाई 7 राइड है मेरे पास अभी तक, 11:56 हो रहा है, एक राइड और बच जाए तो मज़ा आ जाए। 442 रुपये की अर्निंग है, 443 रुपये, और 2 मेरे जो है वो है पोर्टर में। लाइट का क्या लोचा है ये? 2 मेरे पोर्टर में जो कि 190 रुपये की अर्निंग है, ये आप देख सकते हो, एक 127 रुपये का। भाई साहब ऐसे ये लोग आते हैं ना जिप वाले, किसी दिन मार के मानेंगे ये। 632 रुपये की कमाई हुई है दोस्तों आज, घर पे रह के चला के, ठीक है, क्योंकि चलाया फिर घर पे आ गया। शाम को तो नहा धो के भाई निकला था बट कोई राइड ही नहीं थी आज, बहुत बुरा शाम गया। एक राइड अगर बच जाती है, अभी 2 मिनट है, तो 70 रुपये का इंसेंटिव बन जाएगा। गाड़ी दिखाने भूल गया दोस्तों, लगभग 69% अभी बैटरी है, 95 पे निकला था, और गाड़ी जो है 63 किलोमीटर आज चली है मेरी ये, बाकी तो एवेंजर भी चलाया है, स्कूटी भी चलाई है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।